तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, मेरा नाम है विराट और आज भी मेरे पास काफी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई आई एम सो सॉरी यार, मैं कहीं बिजी था। एंड भाई बिजी क्यों था भाई, आपको कुछ ही दिन में पता लग जाएगा यार, आप सबके लिए भाई एक बहुत बड़ा सरप्राइज ला रहा हूं। खैर, बढ़ते हमारी फर्स्ट अपडेट की तरफ जो की रिलेटेड होने वाली है जानू स्टंट्स और इशिता डी व्लॉग से। सो गाइज, मैंने आपको अपने पिछले वीडियोज में सब इनका लफड़ा अपडेट करके दिया है। एंड गाइज, इस लफड़े में कुछ नई नई अपडेट्स आई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जानू स्टंट्स की साइड से एक वीडियो उठ हुआ जहाँ पे उन्होंने इनडायरेक्टली इशिता डी व्लॉग्स को कुछ ऐसा बोला। यार एक चीज मैं देख रहा हूँ यार, काफी ज्यादा बंदे यार जिनको हमने ऐसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, वो हमें आजकल वो कर रहे हैं अपने वीडियोस में। चलो भाई, पिछले बोलते हैं भाई, दुनिया का ना तो स्टोरी ऐसा कुछ, बहुत सारे बंदों की वजह से कुछ बंदे जो चढ़ जाते हैं ना, फिर वो उसी बंदों को मतलब कि उसी उन्हीं बंदों के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू हो जाते हैं जिनकी वजह से वो चढ़े होते हैं। एंड गाइज, इतने सारी कॉन्ट्रोवर्सीज, लफड़ेज और भाई इतने सारे वीडियोस बन रहे थे इशिता डी व्लॉग्स पे, तो उनकी साइड से भी उनका रिप्लाई आया जहाँ पे वो कुछ ऐसा बोलते हुए नजर आए। प्लीज यार, प्लीज रिक्वेस्ट है कि किसी को भी गलत मत बोलना यार। मतलब मैं आपको ये चीज बोलती हूँ कि मैंने यार इतने, मतलब मैं आपको बताती हूँ, शायद मे भी पता नहीं क्या एक दो व्लॉग में मेरे को बोला गया, बट मैं उस चीज़ का जवाब नहीं देती, क्योंकि यार मैं एक बात बोलूँ सच में दिल से, मैं कभी अपने दुश्मनों के लिए नहीं बोलती, मैं उनके लिए कभी गलत नहीं सोचती। भाई जिनको मैंने अपनी लाइफ में यहाँ पे रखा हुआ था ना, मैं उनके बारे में ज़िंदगी में कुछ ना बोलूँ। एंड जब नीड होगी भाई, मेरे को पता है उनको मेरी नीड नहीं होगी कभी भी ज़िंदगी में, बट इट्स ओके फाइन, हम आपको दिल से बस चाहते हैं जो ये। तो चलो यार, एक नॉर्मल सा रिप्लाई था जो कि हर लड़की बोलती है कि भाई मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ एंड भाई ऐसा वैसा, मैं किसी को रिप्लाई नहीं देती। बट यार आपको पता होगा कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ था, जब से जानू स्टंट्स ने प्रतीक्षा कांत के साथ वीडियो बनाई थी। एंड गेस व्हाट, प्रतीक्षा कांत ने दो दिन पहले, भाई मेरे से मिस हो गया, दो दिन पहले इशिता डी व्लॉग्स को इनडायरेक्टली रिप्लाई देते हुए कुछ ऐसा बोला। फर्क नहीं पड़ता वो क्या बोलते हैं, बट भाई कहीं ना कहीं तो जेलस होती है अंदर ना अंदर। कुछ लोग ये बोलते हैं कि पुराने दोस्त न्यू में कन्वर्ट हो गए। भाई पहली बात, प्रायोरिटीज ना कभी चेंज नहीं होती, ठीक है, जो जहाँ जिसकी प्रायोरिटी है वो वहीं पे रहती है, ठीक है। जानू स्टंट्स के पीछे इतना मसला हो ही रहा है तो बात करते हैं उन्हीं के बारे में। सो गाइस, आज उनकी साइड से एक व्लॉग आउट हुआ जहाँ पे उन्होंने बताया कि आलिया एंड राइडर की 10R सीज हो गई है एंड उनकी भी 10R ऑलमोस्ट सीज हो जाती, लेकिन वो भाई पुलिस चेक नाका तोड़ के भाग गए थे। मैं आपको वो क्लिप दिखा देता हूँ। तो चलो भाई, अभी इधर से निकालते हैं भाई। ओ भाई सीन, ओ भाई पकड़ लिया उसको, ओ भाई पकड़ लिया भाई अलियान को। सीन हो गया गाइस, अलियान और को पकड़ लिया भाई, वो चाबी छीन ली भाई पुलिस वालों ने। मुझे पहले पता था भाई इनकी स्कीम, वो देखो भाई गाइस, अलियान वगैरह की बाइक सीज कर दिया भाई, और अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैं कैसे निकलूँ भाई, पर निकलना पड़ेगा भाई किसी तरीके। निकाल ली जाए, देखा जाएगा यार, जो हुआ इतनी टेंशन क्या लेनी है ना। चलो गाइस निकाल ही लेते हैं। क्या है भाई, भाई भागना पड़ेगा भाई इधर से, मैंने तो नाका तोड़ दिया भाई। ओ भाई ये क्या सीन हो गया। एंड गाइस, इसी वीडियो में जानू स्टंट्स ने बताया कि जो बाइक सीज हुई थी उसके फुल डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने जानबूझकर वो बाइक सीज करी है एंड यही रीजन है कि जानू स्टंट्स जम्मू में नहीं रहते। मैं आपको वो क्लिप दिखा देता हूं, ठीक है। द वायलेटर प्लेट व्हीकल विदाउट एनी वैलिड डॉक्यूमेंट्स, हेंस व्हीकल सीज। गाइस सारे डॉक्यूमेंट, लाइसेंस मेरे जेब में पड़ा हुआ है यार, ये गलत, देखो यही मेन चक्कर है भाई, मैं रुकता नहीं हूं यार, यही मेन चक्कर है सारा। या तो चलिए गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं स्क्रिप्टेड व्लॉग्स के बारे में। सो गाइस, आप सब ने देखा होगा कि जम्मू में कितने सारे स्क्रिप्टेड व्लॉग्स बन चुके हैं एंड मनोज डे ने भी एक हाइप बनाई थी स्क्रिप्टेड व्लॉग्स के साथ में। बट स्क्रिप्टेड व्लॉग्स बनाने का रीजन क्या था वो उन्होंने अपने कल वाले वीडियो में बताया, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। कोई नहीं देखेगा आपका वीडियो, नॉर्मल टाइटल, नॉर्मल थंबनेल, नॉर्मल वीडियो कोई देखता ही नहीं अभी के टाइम पे। कुछ ना कुछ आपको अलग करना होगा, कुछ हटके करना होगा। बोलता है ना कि सीधे उंगली से जब घी ना निकले तो टेढ़ा करना पड़े, तो ये वीडियो जो स्टार्टिंग में आपने क्लिप दिखाया ना, उससे मैंने आप लोग एक सीख दिया है करना क्या पता है। ट्रेवल ब्लॉग वगैरह जब करते हैं ना, तो कभी कभी स्क्रिप्टेड बना दीजिए, पब्लिक नहीं देखने आ रहा है आपको कि आप सही में दिखाएं कि गलत दिखाएं। अपने ही दो दोस्त को जुगाड़ कीजिए और बोलिए फोन लेके भाग जाओ, और स्टार्टिंग में बोलिए मेरा फोन चोरी हो गया, आपको देखने आ रहा क्या
ना वो आप पे FIR करेगा, केस करेगा कि आपका फोन चोरी हुआ था कि नहीं हुआ था, है ना, और ना आपका वो घर चला देगा, और पब्लिक को वही देखने में मजा लग रहा है। मनोज डे ने जम्मू के क्रिएटर्स की वीडियोस के व्यूज देख लिए हैं तभी आज ऐसी सलाह दे रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। बट भाई स्क्रिप्ट का वो क्या फायदा भाई जब तक कुछ रियलिटी ना हो व्लॉग में भाई। बट यहाँ तो चलिए गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एल्विश यादव के बारे में। सो गाइस आप सबको पता है कि पिछले दिनों ईडी ने समन करा था एल्विश यादव को एंड 8 घंटे उनकी पूछताछ चली थी। एंड ये मैंने आपको बताया था कि 8 घंटे के बाद में मीडिया उनसे बेतुके सवाल कर रही थी जब वो समन करके वापस आए थे। सो एल्विश यादव मीडिया से तो गुस्सा ही थे एंड उनकी साइड से कल एक व्लॉग आउट हुआ जहां पे उन्होंने इंडियन मीडिया को एक्सपोज करा। मैं आपको थोड़ी सी क्लिप दिखा देता हूं। दिखाते देखो, आई एम नॉट डिसिंग एवरी न्यूज़ चैनल, सब अलग अपने प्रोपेगेंडा चलाते हैं, बट आजकल की जो रियलिटी है मैं बताता हूं कि इंडियन मीडिया मतलब इंडिया न्यूज इंडियन न्यूज चैनल्स एंटरटेनिंग चैनल से ज्यादा भाई और कुछ नहीं है। मिर्च मसाला साजिशें TRPs, क्योंकि आज के न्यूज़ चैनल्स का काम न्यूज़ दिखाना नहीं, उनका काम है अपनी चैनल की TRP बढ़ाना, चाहे उनको कुछ भी बोलना पड़े। आज की तारीख में वही जज है, वही पुलिस वाले हैं, वही वकील है, वही डॉक्टर है, वही सब कुछ वही है भाई। तो न्यूज़ वालों ने एक तरफा कर रखा है कि सब चीज़ वही करेंगे, हर चीज़ का राइट है उनके पास। अगर कोई आदमी आ गया आपके पास माइक लेके, आप मीडिया से, भाई मेरी मर्ज़ी भाई ना बोलूँ, मीडिया से है, अगर आप मीडिया से हो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपको कोई राइट मिल गया, है ना, कि राइट मिल गया कि भाई मीडिया से चलो भाई शुरू हो जाओ बोलो भाई, नहीं भाई नहीं बोलना अगले को, हमारा ह्यूमन राइट है भाई, सब पे अपने राइट्स होते हैं, नहीं बोलना। मैं 8 घंटे अंदर था, उसके बाद देवर प्लानिंग, एक क्लिप देखी होगी आपने मेरे ट्विटर पे, आप फिर एक क्लिप वायरल हो रही थी जिसमें कह रहे थे इसको पकड़ लेना आगे ना जाने पाए नीचे से। मतलब ये आजकल की मीडिया है, मतलब दे थिंक लाइक कि हमारा हक हो गया भाई इस पे, ये तो अब बोलेगा इसको पकड़ लेना, करना बोले तो, मतलब ये इनह्यूमन चीज़ है। बहुत सारे मीडिया चैनल्स चला रहे हैं एल्विश यादव ने ये किया, अरे एल्विश यादव भैया तुम देखो ना तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना तो देखो यार। हम फोर्थ पिलर मानते हैं कि मीडिया इज फोर्थ पिलर हमारी डेमोक्रेसी की, हो मीडिया की पावर ये नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, भाई मीडिया तो डंकी नहीं है, हमारी मीडिया की रैंकिंग कितनी नीचे आती है। सो गाइस ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो मेरे चैनल सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं कोई नई वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।